तो गाइस अभी मैं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दो तो मिलेंगे ही इसमें, कम से कम दो तो मिलेंगे ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हंसते चेहरिया का मतलब ये नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, वो मतलब ये होंगे कि इन्होंने तकलीफा ना डील करना होता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। आज हम फिर से अपनी माइनक्राफ्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा अपने गेम प्ले की तरफ। सो गाइस, जैसे आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने ये विलेज फाइंड की थी और ये विलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लूट है, खाने के लिए भी सब कुछ है यहाँ। तो और मैंने सारी लूट को वापस ले लिया था और इस वीडियो में हमारा मेन टास्क ये रहेगा कि हमें आयरन के सारे भी जितने भी वो आर्मर है वो सब कंप्लीट करने हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी आयरन फार्म करने के लिए, तो जल्दी से जाके सभी स्टोन को कलेक्ट करते हैं। सो गाइस, स्टोन मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो फटाफट से जितना हो सकता है उतना हम स्टोन यहाँ से कलेक्ट। भारी मात्रा में स्टोन कलेक्ट हो गया है, अब चल के अपने जल्दी से सारे स्टोन की चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपने लिए स्वॉर्ड, उसके बाद हम बनाएंगे अपने लिए एक पिकेक्स और एक्स बना लेंगे, और इतना मेरे ख्याल से इनफ है। तो अब जल्दी से चलते हैं। सो गाइस, अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे काफ़ी सारी वुड की, क्योंकि आपको पता होगा कि आयरन को स्मेल्ट करने के लिए हमें कोल चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास कोल नहीं है इसलिए मैं वुड का इस्तेमाल करूँगा। तो जल्दी से वुड भी कलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस, रात हो गई थी तो मैं सोने के लिए आ गया। गुड मॉर्निंग गाइस, अनदर डे इन माइनक्राफ्ट। सो गाइस, अभी हम जाते हैं आयरन फार्म करने के लिए। सो यहाँ पे मुझे एक विलेजर दिखा है, तो मुझे इस विलेजर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आजा भाई, अंदर चल ले, आजा, इसको अंदर रखना पड़ेगा ताकि ज़ॉम्बी ना वो करें। तो मैं 2 मिनट में मिलता हूँ आपसे इसको अंदर रखने के बाद। तो गाइस, बहुत ही मशक्क़त के बाद भी अंदर नहीं जाना चाह रहा है, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। अच्छा, नीचे जाओगे भाई साहब, अच्छा लंबी नाक वाले भाई साहब नीचे जाने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, इसे नीचे ही भेज देते हैं, बस मरियो मत भाई तू, इसको आराम से हम नीचे भेज देते हैं, बस मरना नहीं चाहिए बाकी। बस चलो, अच्छे से पहुंच गया और हम भी चलते हैं नीचे। और जितने भी विलेजर्स हैं मुझे इन्हें अंदर बंद रखना पड़ेगा ताकि बाद में मैं इनसे अच्छे से ट्रेड कर पाऊँ, तो इन्हें हम कवर कर लेते हैं। सो गाइस, इन्हें मैंने पूरा कवर कर दिया है यहाँ से, अब मैं इन्हें जब चाहूँ यहाँ से देख सकता हूँ। अरे भाई, कोई निकलना मत यहाँ से बाहर, अब इन सबका मालिक मैं हूँ आज से। अब चारों तरफ से मैंने इन्हें बंद कर दिया है जैसे देख सकते हैं यहाँ। और चलो, इनके लिए घंटी बजा देते हैं, इनका बॉस आ गया है। और मेरी बात अगर इन्हें नहीं मानी तो इनका हाल ये होगा, देख रहे हो भाई क्या होगा तुम्हारा हाल, एक फार्मर भी है, ये हाल होगा भाई। सो गाइस, मैं देखता हूँ इनको कुछ, हम एक बार देखूँ मैं इनको ब्रेड व्रेड खिला सकते हैं कि नहीं, एक बार देखना पड़ेगा ऊपर जाके। तो चलो देखते हैं एक बार। हाँ तो भाई, क्या नाम है तुम्हारा, सोनू मोनू जो भी नाम है तुम्हारा, सुनो, अरे यहाँ देखो यार, सुनो मैं तुम्हें खिला रहा हूँ ब्रेड और मुझे चाहिए कल 10 बच्चे, कुछ भी करो लेकिन 10। क्या बात करता है यार भाई, ऐसी बात होती है, मुझे चाहिए तो चाहिए, अब पूरी रात है तुम्हारे पास। अब देखो रात हो रखी है एकदम, मैं कल सुबह आऊँगा, अभी आधी रात हुई है, देखो चाँद भी निकला हुआ है आधा, तो मैं कल सुबह आऊँगा। और अभी गाइस यहाँ से चलते हैं। सो गाइस, रात बहुत हो गई थी इसलिए मैं दोबारा से अपने घर चला गया था सोने के लिए, क्योंकि ऐसे रात को ऐसे माइन करना सही नहीं रहता, क्योंकि ज़ॉम्बी वॉम्बी का डर तो होता ही है। सो गाइस, ये जो आयरन है ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था तो यहीं पर था, तो मैं अभी सब आयरन कलेक्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ, तो इन्जॉय करें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. फाइनली गाइस, मैं आयरन लेके आ चुका हूँ, अब जाते हैं सीधा अपने घर। सो घर भी पहुंच गया हूँ और
मुझे लगता है अभी मुझे वुड लेने के लिए भी जाना पड़ेगा, तो मैं 2 मिनट में मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, मैं वुड लेके भी आ चुका हूँ, इसे डाल देते हैं। और जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में एमरल्ड्स देखे थे, तो एमरल्ड लेने भी चलते हैं, पहले फूड खा लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे है वो एमरल्ड जो मुझे मिला था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी, क्योंकि ये मेरा इस वर्ल्ड का सबसे पहला एमरल्ड होगा जो मैं खुद से माइन करूँगा अभी, क्योंकि इससे पहले मेरे पास 3 एमरल्ड ऑलरेडी हैं, लेकिन वो मुझे एक चेस्ट से मिले हुए थे, तो ज़्यादा मुझे उतनी खुशी तो हुई नहीं थी, लेकिन खुद से माइन कर रहा हूँ तो गाइस अभी मैं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2 तो मिलेंगे इसमें, कम से कम 2 तो मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ गाइस, किसी ने कुछ नहीं देखा, गाइस ये मतलब थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ये मेरे ख्याल से आयरन की पिकैक्स से टूटता है, तो चलो कोई नहीं, आयरन जब बनेगा तब देखेंगे उससे। सो गाइस, अब देखते हैं अपने पास सब कुछ, स्मेल तो हो ही गया होगा, तेज़ हैं अभी, पता नहीं 2 मुझे कहाँ से मिले, इन्हें भी स्मेल कर देते हैं। और गाइस, तब तक का अपने घर को भी थोड़ा सजा जैसा लेता हूँ, लाइट वाइट लगा देता हूँ आसपास, क्योंकि ताकि ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो और अपना घर अच्छा दिखे थोड़ा। सो गाइस, ये है थोड़ा सस्ता जुगाड़ जो मैंने बिठा रखा है यहाँ पे, तो काफ़ी कूल सा लग रहा है, लेकिन ये अभी अपना टेम्परेरी हाउस है, तो इसलिए इतना सब कुछ तो चलता है, पता भी तो चले अपना घर है, तो देखते हैं। सो गाइस, मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं 25। तो गाइस, ये वो पल है, क्या आप सभी रेडी हैं ये देखने के लिए, क्योंकि अब आपके सामने श्री 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 ढोलकपुरिया के सम्राट हैं, जो कि अभी आयरन की आर्मर बनाने वाले हैं। सो गाइस, शुरू करें अपने आयरन का आर्मर बनाना, शुरू करें, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये अब पहले अपनी बनेगी पैंट, उसके बाद मतलब मुझे सब कुछ आयरन का बनाना है अपना, तो मैंने लगभग सभी कुछ अपना आयरन का बना लिया, लास्ट बचती है सील, वो भी मैंने आयरन की बना लिया, आप पहनते हैं इसे। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो मुझे एक काम करना चाहिए, पहले सो जाना चाहिए, उसके बाद कल देखते हैं। तो कल है गाइस अपना सबसे इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि कल हम बनाने वाले हैं आयरन का आर्मर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है वो दिन जो अपना आयरन का आर्मर हम पहनेंगे। तो मेरे बूट कहाँ गए, अभी तो हाथ में थे मेरे, सॉरी गाइस, सॉरी, अभी नहीं पहनना था ये, तो इसे निकालते हैं और दोबारा से शुरू करते हैं। बस बस बस, इतना ही था गाइस। देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है गाइस अपना कैरेक्टर, एक बार आप देखिए इसको, इतना स्मार्ट कैरेक्टर। एक दिन आएगा गाइस, यही मैं आर्मर बनाऊंगा अपने, डायमंड का बनाऊंगा गाइस आर्मर यही। तो अब आया ना असली, लेकिन ये गधे के गर्दन के आर पार सील जा रही है गाइस। नहीं 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 गाइस, पहले सील निकालो गाइस, उसके बाद आउटर होगा, पहले सील निकलेगी, उसके बाद अपने गधे को तकलीफ़ नहीं देंगे, पहला पेट है ये। सो हाँ, आप ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए